वेलकम बैक एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं SBI के प्राइम क्रेडिट कार्ड के बारे में। बेनिफिट्स और फीचर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, कैसा ये क्रेडिट कार्ड है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन के लिए ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है और क्या इसके चार्जेज हैं और कहाँ आपको इसके अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सारी बातें इस वीडियो में फुल डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टैग धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैग धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम बेनिफिट्स के इस कार्ड पर मैं बात करूं तो वेलकम बेनिफिट्स के रूप में 3,000 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिसका यूटिलाइजेशन आप बाटा स्पॉन्सर मार्क्स हस्कुपिंस पेंटालूम सोपर स्टॉप yatra.com पर उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। रिवार्ड प्रोग्राम की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो इस कार्ड पर अगर आप यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हैं या फिर अपने बर्थडे के दिन किसी भी तरीके का स्पेंडिंग करते हैं, अगर आप 100 रुपये स्पेंड करेंगे इन दोनों कैटेगरी पर तो आपको 20 रिवार्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। वही अगर आप बिग बास्केट पर इस कार्ड के माध्यम से 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो 15 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। डाइनिंग, ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर या एंटरटेनमेंट पर आप 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इनके अलावा किसी अदर कैटेगरी पर इस कार्ड से आप 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो आपको 2 रिवार्ड पॉइंट अर्न होने वाले हैं। इस कार्ड पर टोटल 12 लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, 4 इंटरनेशनल होते हैं जिनमें प्रायोरिटी पास के साथ मिलते हैं और 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस होते हैं, जो कि एक क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस यूज से ले सकते हैं और 1 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं प्रायोरिटी पास के साथ। माइलस्टोन बेनिफिट्स के इस कार्ड पर मैं बात करूं तो अगर इस कार्ड के माध्यम से एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ के भीतर अगर आप 50,000 स्पेंड कर देते हैं तो आपको 1,000 रुपये का पिज़्ज़ा हट वाउचर मिलता है। वही अगर इस कार्ड से आप 5,00,000 रुपये 1 साल के भीतर स्पेंड कर देते हैं तो 7,000 रुपये का पेंटालूम या yatra.com का वाउचर मिलेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर में अगर इस कार्ड से 3,00,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो आपकी जो एनुअल फीस है वो आपको वे ऑफ कर दी जाती है। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको मेंबरशिप मिलती है, क्लब विस्तारा की मेंबरशिप मिलेगी और ट्राइडेंट प्रिविलेज की मेंबरशिप इस कार्ड पर आपको देखने को मिल जाती है। और मैं बात करूं तो अगर आप ट्राइडेंट प्रिविलेज मेंबरशिप के तहत इस कार्ड को रजिस्टर करते हैं तो 1,000 रिवार्ड पॉइंट अर्न होते हैं। अगर होटल की वेबसाइट पर जाकर होटल की बुकिंग करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम अगर आप बुकिंग करेंगे इस कार्ड के माध्यम से तो आपको 1,500 रिवार्ड पॉइंट अर्न होंगे और अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो 1,000 रिवार्ड पॉइंट आपको अलग से अर्न होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इस कार्ड की मेंबरशिप के तहत अगर आप होटल बुकिंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पर 10 रिवार्ड पॉइंट अर्न होते हैं। इसके अलावा आपको क्लब विस्तारा की मेंबरशिप के तहत आपको एक अपडेटेड वाउचर मिल जाएगा। अगर क्लब विस्तारा पर 100 रुपये आप स्पेंड करेंगे इस कार्ड के माध्यम से तो 9 क्लब विस्तारा रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा मास्टर कार्ड और वीजा के कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे गोल्फ लेसन ले सकते हैं एवरी मंथ इस कार्ड के माध्यम से। इंश्योरेंस की अगर इस कार्ड पर मैं बात करूं तो एयर एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस आपको मिलता है 50,00,000 रुपये का और फ्रॉड लाइबिलिटी कवर मिलता है 1,00,000 रुपये का। और फ्यूल सरचार्ज वेवर की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन फ्यूल पे 500 रुपये से 4,000 रुपये के बीच में है तभी आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और एक बिलिंग साइकिल में हाईएस्ट आप 250 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की मैं बात करूं तो 2,999 रुपये प्लस GST है। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस सेम है। अगर आप ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हैं तो आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। एलिजिबल क्राइटेरिया की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो कार्ड होल्डर की एज 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एड ऑन कार्ड दिला रहे हैं किसी को उसकी एज 15 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ चाहिए और इसके अलावा फोटोग्राफ आपका चाहिए, तब इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस की अगर मैं बात करूं, अगर आप फॉरेन करेंसी में इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 3.5% आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एड ऑन कार्ड की सुविधा मिल जाएगी, बैलेंस ट्रांसफ़र की सुविधा मिल जाएगी, बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन EMI की सुविधा मिल जाएगी, गो ऑन कैश की सुविधा मिल जाएगी, फ्लेक्सी पे की सुविधा मिल जाएगी, इजी मनी की सुविधा मिल जाएगी। ये सारी सुविधाएं आपको इस कार्ड पर नॉर्मल जो सभी SBI कार्ड पर होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। मेरे ओपिनियन की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो एवरेज कार्ड है और रेटिंग मेरी है इस कार्ड के लिए 3.5% की, ठीक है, एवरेज कार्ड है। और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस कार्ड पर, जिस तरीके से फीस एंड चार्जेज हैं उसी तरीके से इस पर बेनिफिट्स भी आपको मल्टीपल मिल जाते हैं, जिससे ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। आप सब जगह इस कार्ड का मल्टीपल तरीके
से यूज ले सकते हैं और सब जगह आपको इस कार्ड से बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। तो बढ़िया कार्ड है, अगर आप इस कार्ड के लिए जाते हैं तो रिकमेंड करूंगा मैं, आप ले सकते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आप इस कार्ड के लिए नॉर्मली जा सकते हैं। नॉर्मल एवरेज कार्ड है, अच्छा कार्ड है।